लिमिट और ऑफसेट के बाद नेक्स्ट जो पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द ऑर्डर बाय क्लॉज। अब ऑर्डर बाय क्लॉज का कल बेसिक डिस्क्रिप्शन मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था। देखिए जब भी हम यहाँ पे किसी भी तरीके के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाने का ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट क्लॉज को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन वाइज भी हमने सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट कर ली है, पैटर्न को यूज करके भी हमने काम किया है, और स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को अगर हमें प्रिंट करवाना हो तो वो भी हमने करवाया है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी क्वेरीज हमने अभी एग्जीक्यूट करवाई है उनमें होता क्या है, जिस सीक्वेंस में हमने अपने टेबल के अंदर डेटा इनपुट किया होता है उसी सीक्वेंस में हमारे पास में आउटपुट भी आता है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे सॉर्टेड फॉर्मेट में डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की सॉर्टिंग अगर हमें अप्लाई करनी है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, उसके लिए हम काम में लेते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले किसी भी तरीके के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना है तो हम हमेशा सिलेक्ट कमांड को ही काम में लेते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास में कॉलम की लिस्ट, उस कॉलम की लिस्ट के बाद में फ्रॉम कीवर्ड फॉलोड बाय टेबल का नाम। उसके बाद हमें यहाँ पे मेंशन करना है ऑर्डर बाय क्लॉज। अब यहाँ पे ऑर्डर के बाद एक स्पेस है, फिर एक बाय है, कंटिन्यूस नहीं है तो स्पेस आपको मेंशन करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है कॉलम का नाम, हम यहाँ पे कौन से कॉलम के बेसिस पर ऑर्डरिंग अप्लाई करवाना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास में ई नेम कॉलम है तो मुझे नेम वाइज सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, या मुझे सैलरी वाइज सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, कौन से इंसान ने पहले ज्वाइन किया था, किसने कब ज्वाइन किया था, मुझे उस तरीके से सॉर्टिंग अप्लाई करवानी, तो हम हायर डेट कॉलम पे काम करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करवानी है तो उसके लिए ASC हमें यहाँ पे काम में लेना पड़ता है, और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करवानी है तो उसके लिए हम DESC प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है जो काम में लेते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहला जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो ये है, डिस्प्ले नेम जॉब सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर अगर हमें सारे एम्प्लॉयज के इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना होता है तो हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स कहा है तो मैं सेलेक्ट नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल फ्रॉम EMP लिखूंगी तो सारे एम्प्लॉयज के नेम और सारे एम्प्लॉयज की जॉब और सैलरी मेरे पास में डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर इतना पार्ट तो हमें क्लियर हो गया कि हमें क्या क्या डिस्प्ले करवाना है। अब आगे का क्वेश्चन ये है, सॉर्ट द रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे जो रिकॉर्ड हम डिस्प्ले करवा रहे हैं वो हमें नेम वाइज सॉर्टेड फॉर्मेट पे डिस्प्ले करवाने, तो क्वेरी जो हमारी बनेगी वो कुछ इस तरीके की होगी, सिलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल फ्रॉम EMP, यही सारी इंफॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले करवानी है। उसके बाद आएगा ऑर्डर बाय क्लॉज, और ऑर्डर बाय क्लॉज के बाद आएगा हमारे पास में उस कॉलम का नाम जिस पे हमें सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। अब हमें एम्प्लॉय नेम पे सॉर्टिंग अप्लाई करवानी है तो वो है ई नेम कॉलम के अंदर। अब यहाँ पर जब यदि भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि किस ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम क्या काम में लेते हैं, ASC, लेकिन इस क्वेरी में तो मैंने कहीं पे भी ASC मेंशन नहीं किया है। तो जब भी हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं तो आप किसी भी तरीके का ऑर्डर मेंशन नहीं करो, सिर्फ ऑर्डर बाय क्लॉज को मेंशन कर दो तो भी असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्टिंग अप्लाई होगी, और अगर हम यहाँ पे ASC लिख दें तो भी हमारे पास में असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्टिंग अप्लाई होगी। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम सॉर्टिंग फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास में असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा सॉर्ट होता है। तो एक बार हम इसे आज एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब कल हमारे पास में डेटाबेस नहीं था लेकिन आज मैंने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे टेबल्स भी क्रिएट कर दी। तो कंपनी डेटाबेस है जिसके अंदर डिपार्टमेंट EMP एंड सैलरी मेरे पास में टेबल्स अवेलेबल। अब EMP में अगर मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए मेरे पास में जो सारे एम्प्लॉयज है वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। सबसे पहले जो रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया था वो सबसे पहले आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब ये कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, मुझे चाहिए सॉर्टेड फॉर्मेट में, तो मैंने SQL पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरी क्वेरी को टाइप कर दिया फॉलोड बाय गो बटन। तो देखिए अब जितनी भी मेरे पास में इंफॉर्मेशन आई है दैट इज द नेम जॉब एंड सैलरी, अब यहाँ पे प्रॉपर सॉर्टेड फॉर्मेट के अंदर आया है, यानी कि A to Z का यहाँ पे अब कंसिडरेशन किया गया है। तो प्रॉपर सॉर्टेड फॉर्मेट में यहाँ पे सारा डेटा आया है। अब सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे सैलरी वाइज अप्लाई करना होता तो ऑर्डर बाय सेल हम यहाँ पे मेंशन कर देते, तो जिसकी सैलरी सबसे कम है वो पहले आ जाता और उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारी चीजें चलती थी। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे सॉर्टिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेरीज भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डिस्प्ले नेम जॉब सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज एंड डिस्प्ले रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। अगेन
यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करना है और डिस्प्ले करवाना है, वही तीन चीजें जो हमने अभी करवाई, पर अब सैलरी के बेसिस पे काम होना चाहिए। तो सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल फ्रॉम ई एम पी ऑर्डर बाई सेल। तो यहाँ पे अब सैलरी के बेसिस पे हमारे पास जो डेटा है वो सॉर्टेड फॉर्म के अंदर आने वाला है। देखिए यहाँ पे जिसकी सैलरी सबसे कम है, दैट इज 800, वो आ गया है, देन 1100, देन 1250 एंड सो ऑन अप टिल 2975। तो यहाँ पे सैलरी के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में सारे रिकॉर्ड सॉर्ट हो गए। अब मुझे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अगर सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करवानी है तो यहाँ पे डिफॉल्ट जैसा कुछ भी काम नहीं करता है, जैसे कि पहले दो क्वेरीज के अंदर मैंने इंप्लीमेंट किया है। डिसेंडिंग ऑर्डर के केस में हमें यहाँ पे DESC मेंशन करना कंपलसरी है, वरना असेंडिंग के अंदर ही सॉर्टिंग इंप्लीमेंट हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ DPPNO, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पर हमें सॉर्टिंग अप्लाई करनी है और फिर रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पे मुझे नहीं बताया कि क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करवानी है, और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए एस्ट्रिक सिंबल को काम में लिया जाता है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय DEPTNO एंड DESC। तो हमारी एम्प्लॉय टेबल के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट नंबर्स प्रेजेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट नंबर्स मतलब 10, 20 और 30, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू है वो सबसे पहले, यानी कि 30 पहले आ जाएगा, फिर 20 आएगा और फिर 10 आएगा। ठीक है, जब मैंने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया है तो पहले मेरे पास में सारे 30 डिपार्टमेंट नंबर के रिकॉर्ड आ रहे हैं, फिर 20 के रिकॉर्ड आ रहे हैं और उसके बाद एंड में मेरे पास में 10 के रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो किसी भी कॉलम पे हम यहाँ पे सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज, अब चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। दिस वाज द नेक्स्ट पार्ट एंड द नेक्स्ट क्लॉज। किसी को भी इस वाले पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन? ऑलराइट, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड। देखिए जब भी हम यहाँ पे किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा रहे हैं, अब एम्प्लॉय के केस में तो हर एम्प्लॉय का जो इन्फॉर्मेशन है वो यूनिक है, तो सारी चीजें डिस्प्ले होगी। लेकिन मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे पता लगाना है, सपोज इफ हम कॉलेज की अगर बात करते तो कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट मैंने किया है तो स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, उसका नाम, उसका एज, आईडी, कोर्स एंड जो भी इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करी है। अब मुझे कोर्सेज के बारे में पता लगाना है तो मैंने स्टूडेंट टेबल के कोर्स कॉलम में चेक कर लिया, BCA, देन MSc, देन BSc, फिर उसके बाद वापस से BCA आ रहा है, फिर वापस से BSc आ रहा है, फिर उसके बाद में वापस से MSc आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें सिर्फ कोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बार बार सेम इन्फॉर्मेशन बताने का तो जरूरत ही नहीं है। एक बार बता दो कि BCA आप अप्लाई कर सकते हैं या BSc में अप्लाई कर सकते हैं या MSc में अप्लाई कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ जाएगी। तो कभी भी अगर हमें किसी भी तरीके की यूनिक डेटा को प्रिंट करवाना है, डुप्लीकेट वैल्यूज हमारे पास में नहीं आने चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर डिस्टिंक्ट कीवर्ड को काम में लेते हैं। अगेन किसी भी कॉलम के साथ में आप यहाँ पर डिस्टिंक्ट कीवर्ड को काम में ले सकते हो। अब जो सिचुएशन है या जो क्वेरी है वो किस तरीके से होती है, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है सिलेक्ट कीवर्ड क्योंकि रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास में डिस्टिंक्ट कीवर्ड फॉलोड बाय अ कॉलम नेम। अब यहाँ पे वर्किंग कैसी होगी, जो भी कॉलम का नाम आपने यहाँ पे मेंशन किया है उसमें से जो यूनिक रिकॉर्ड्स है सिर्फ वही डिस्प्ले होंगे। तो डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या कर रहा है, डिस्टिंक्ट क्लॉज चेक कर रहा है अपने आगे आने वाले कॉलम नेम यानी कि कॉलम की वैल्यूज। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एंड टेबल का नेम। तो हमारे टेबल के अंदर इस कॉलम में जितनी भी यूनिक वैल्यूज होंगी वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। हम क्वेरी से समझते हैं, डिस्प्ले ऑल डिपार्टमेंट्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में से मुझे सारे डिपार्टमेंट्स को प्रिंट करवाना है। अब डिपार्टमेंट्स के लिए डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम हमारे पास में अवेलेबल है जिसमें 10, 20, 30 बहुत सारी वैल्यूज हमारे पास में अवेलेबल है। जैसे कि मैंने अभी एग्जीक्यूट किया था, डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग अप्लाई करवाई। तो अगर मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन निकलवानी है और मैं लिखती हूँ सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP, तो सारे एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन आ गई और मल्टीपल टाइम्स मेरे पास में यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर आए। एक बार बता दो कि 30 डिपार्टमेंट नंबर है, एक बार बता दो कि 10 डिपार्टमेंट नंबर है, तो भी मुझे समझ में आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना है। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट DPTNO फ्रॉम EMP। तो अब अगर हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे
एम्प्लॉय टेबल के अंदर जितने भी यूनिक डिपार्टमेंट नंबर है, मतलब सिर्फ एक बार ही डेटा प्रिंट होगा, डुप्लीकेट डेटा को ये अवॉइड कर देगा। आई होप सबको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है डेटा। देखिए तीनों रिकॉर्ड्स मेरे पास में यहाँ पे आ गए हैं, 10, 20 और 30, सिर्फ एक बार ही प्रिंट हो रहा है। तो किसी भी तरीके के यूनिक डेटा को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो वी यूज डिस्टिंग क्लॉज। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेरी, डिस्प्ले ऑल जॉब्स फ्रॉम ईएमपी टेबल। अब ऑल जॉब्स का मतलब ये नहीं है कि मुझे सारे जॉब कॉलम में जितने भी वैल्यूज है उन सबको प्रिंट करना है, मुझे तो ये पता लगाना है कि जॉब कॉलम के अंदर कितनी तरीके की जॉब्स अवेलेबल। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी तो होगा क्या, जॉब कॉलम के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा, यानी कि क्लर्क, एनालिस्ट, सेल्समैन मल्टीपल टाइम्स अगर प्रेजेंट है तो मल्टीपल टाइम्स मेरी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। ऐसा नहीं चाहिए, एक जॉब का नाम सिर्फ एक बार ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी, तो हमारी ईएमपी टेबल के अंदर जितने भी यूनिक जॉब्स है सिर्फ उन्हीं की इंफॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। वेट फॉर अ मिनट गाइस, थोड़ा सा जो स्क्रीन टाइम है वो लैग कर रहा है। देखिए आई होप सबको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है जो क्वेरी मैंने एग्जीक्यूट करी है उसका आउटपुट। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी, अब यहाँ पे देखिए जितनी भी जॉब्स मेरे पास में अवेलेबल हैं वो सारी जॉब्स अपेयर हो रही हैं, लेकिन सिर्फ एक बार, किसी भी तरीके का रिपीटेशन यहाँ पर नहीं हो रहा। अब यहाँ पर मैंने जो डिस्टिंक्ट क्लॉज अप्लाई किया है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड अप्लाई किया है, सिर्फ एक कॉलम पर ही किया है। अगर मैं डिस्टिंक्ट के बाद मल्टीपल कॉलम्स का नाम लिख दूं तो किस तरीके से बिहेव करेगा, वही मेरी नेक्स्ट क्वेरी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डीपीटीएनओ कॉमा जॉब फ्रॉम ईएमपी। तो अब यहाँ पर मैंने जितने भी कॉलम के नेम मेंशन किए तो यहाँ पे डीपीटीएनओ में कौन कौन सी वैल्यूज है, 10, 20 एंड 30। अब इस 10, 20 के अंदर जितने भी जॉब्स यूनिक, लाइक डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर क्लर्क है, डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर एनालिस्ट है, डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर मैनेजर, कितने क्लर्क हैं, कितने मैनेजर हैं और कितने एनालिस्ट हैं, मुझे उनसे नहीं मतलब, मुझे तो सिर्फ ये बताओ कि डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। तो मुझे डिपार्टमेंट नंबर भी यूनिक चाहिए और मुझे उन डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब है वो भी यूनिक चाहिए। तो अगर हम चाहें तो दोनों कॉलम्स पे यूनिकनेस अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग द डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो सबसे पहले मेरे पास में यूनिक डिपार्टमेंट नंबर निकल के आएंगे और उन डिपार्टमेंट नंबर में जितनी भी यूनिक जॉब्स है उसके बाद वो निकल के आएंगे। तो अगर हम एक बार इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखें, देखिए यहाँ पे मेरे पास में डिपार्टमेंट नंबर 20 और क्लर्क, 20 और मैनेजर, 20 और एनालिस्ट, 30 सेल्समैन, 30 मैनेजर एंड 30 क्लर्क, 10 मैनेजर, 10 प्रेसिडेंट एंड 10 क्लर्क। अब यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट नंबर और जॉब का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे पास में यूनिक निकल के आया है। तो 20 के अंदर मेरे पास में अलग अलग तरीके की जॉब्स अवेलेबल है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। 30 के अंदर मेरे पास में यूनिक जॉब अवेलेबल है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। 10 के अंदर यूनिक जॉब अवेलेबल है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो कुछ इस तरीके से आप मल्टीपल कॉलम्स पे भी डिस्टिंक्ट वाला पार्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट आ रहा है दैट इज नल एंड इज नॉट नल। अब एक्चुअली में ये क्या काम कर रहे हैं, उससे पहले हम अपनी टेबल का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो मेरे पास में ईएमपी टेबल है उसके अंदर मेरे पास में एक कॉलम है दैट इज कमीशन। आई होप सबको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है कमीशन कॉलम, लास्ट सेकेंड कॉलम मेरे पास में ये अवेलेबल।
अब इस कॉलम के अंदर मेरे पास में बहुत सारी वैल्यूज लिखी हुई, लाइक 300 लिखा है, 500 लिखा है, 1400 लिखा है और जीरो भी लिखा है। इसके अलावा इस कॉलम के अंदर बहुत जगह नल एज अ वैल्यू आई गेस आपको विजिबल हो रहा हो। तो कभी कभी क्या होता है, हमें हमारे पास में कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं होती। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग एडमिशन लेने के लिए, हो सकता है कि आपको के पास में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो जिनके पास खुद का कोई पर्सनल फोन नहीं, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि आप करंटली कोई भी फोन ओन नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जस्ट बिकॉज आपके पास कोई फोन नहीं है तो आपका रिकॉर्ड ही इनपुट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम कुछ फील्ड्स को खाली रख सकते, तो वो जो खाली फील्ड होती है वहां पे ऑटोमेटिकली नल जाके स्टोर हो जाता है। तो अगर मुझे पता लगाना है कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, अगर मुझे पता लगाना है कौन कौन से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको कुछ भी कमीशन नहीं मिल रहा है, यानी कि कहाँ कहाँ पर नल स्टोर है, तो उसके लिए हमारे पास में इज नल ऑपरेटर और इज नॉट नल ऑपरेटर अवेलेबल। तो इज नल चेक करना कि नल है और इज नॉट नल चेक करना यानी कि नल नहीं। अब यहाँ पे सिंटेक्स मैंने मेंशन कर दिया है, हम क्वेरी से समझते हैं कैसे काम हो रहा है। देखिए, जो भी डिटेल हमें डिस्प्ले करवानी है, फॉलोड बाय कॉलम का नाम, सेलेक्ट के बाद कॉलम का नाम, फ्रॉम और फिर टेबल का नाम। अब किसी कंडीशन के बेसिस पर या किसी भी ऑपरेटर को अगर हम काम में ले रहे हैं, ऑपरेटर मतलब कोई ना कोई कंडीशन फॉर्म हो रही, तो किसी भी कंडीशन को अगर हमें स्पेसिफाई करना है यानी कि रिकॉर्ड को फिल्टर आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग वेयर क्लॉज को काम में लेते हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएनपी के बाद मैंने यहाँ पर लिखा है वेयर क्लॉज, उसके बाद है COMM विच इंडिकेट्स कमीशन कॉलम, COMM इज नल। तो हमारी एम्प्लॉय टेबल में से उन एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आओ जहां पे कमीशन नल है, यानी कि किसी भी तरीके का कमीशन वो ऑब्टेन नहीं कर रहे। तो देखिए, टोटल रिकॉर्ड्स मेरे पास में इतने सारे हैं, लेकिन अभी वाली क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। तो देखिए, मेरे पास जो अब यहाँ पे रिकॉर्ड्स निकल के आए हैं, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आए हैं जहां पर नल एज अ वैल्यू स्टोर। अब वो 300 और 500 और वो 1400 वाले रिकॉर्ड्स यहाँ पर कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो कुछ इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं जहां पर हमने पूरा डेटा सही तरीके से इंसर्ट नहीं किया है। अब इसी का जस्ट रिवर्स अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना हो, तो ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाओ जहाँ पे कमीशन नल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू उन्हें मिल रही। तो सेलेक्ट EMPNO कॉमा ENAME फ्रॉम EMP वेयर COMM इज नॉट नल। तो ऐसे एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन हमारे पास में डिस्प्ले हो जाएगी जिनका कमीशन नल नहीं है, मतलब लॉजिकली कुछ ना कुछ कमीशन वो ऑब्टेन कर रहे हैं। तो देखिए, चार एम्प्लॉयज की हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आई है, तो एक का जो कमीशन है इट इज 300, एक का कमीशन 500 है, एक का कमीशन 1400 है और एक का कमीशन मैंने सिर्फ जीरो स्टोर कर रखा है करंटली, तो जीरो नल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉयज जो कमीशन अर्न कर रहे हैं यानी कि इज नल, जो नहीं कर रहे हैं यानी कि इज नॉट। कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि जो रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किए हैं आपकी टेबल के अंदर, उसमें कहीं कुछ फील्ड ऐसी हैं जो हमने ब्लैंक रख दी हैं यूजिंग इज नल एंड इज नॉट नल ऑपरेटर। अब इसके अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ऑलराइट, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक्सप्रेशंस। देखिए, यहाँ पर हमारे पास पे जितने भी न्यूमेरिक टाइप का डेटा स्टोर है कॉलम के अंदर, अगर हम चाहें तो वहां पे किसी भी तरीके की कैलकुलेशंस करवानी हो तो वो कैलकुलेशंस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस तरीके का अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वो सारी चीजें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके का कैलकुलेशन करना हो तो मुझे एक फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, और वो जो फॉर्मूला होता है वही कहलाता है हमारा एक्सप्रेशन। अब मैं नेक्स्ट क्वेरी के अंदर करने के वाली हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम, उसकी जॉब और उसकी सैलरी डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम ईनेम, जॉब जॉब कॉलम के अंदर और सैलरी सैल कॉलम के अंदर। उसके अलावा मेरे पास में अब यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए कहा गया है, दैट इज द एनुअल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर मेरे पास में जो सैलरी कॉलम है उसमें जो वैल्यूज है वो क्या है, मंथली सैलरी। तो एनुअल सैलरी का मतलब क्या होता है, पूरे साल की सैलरी कैलकुलेट करना। तो अगर एक महीने की सैलरी 800, 12 की कितनी होगी, 800 मल्टीप्लाई बाय 12, तो वो हमारे पास में एनुअल सैलरी आ जाएगी।
अब एनुअल सैलरी को ऑब्टेन करने के लिए कोई कॉलम हमारे पास में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करके एक इंटरनली एक कॉलम क्रिएट करना होगा जो हमें एज अ आउटपुट दिखाई दे। अब इंटरनली कॉलम क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि टेबल में एक नया कॉलम क्रिएट हो जाए, सिर्फ आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास में एक नया कॉलम जनरेट होगा इंटरनली जो स्क्रीन पर आके डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है उन रिकॉर्ड्स की इन्फॉर्मेशन जो मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो सेलेक्ट ए नेम कॉमा जॉब कॉमा सैम। अब यहाँ पर ये तो तीन इन्फॉर्मेशन तीन कॉलम्स के अंदर, मुझे चाहिए एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी यानी कि जो भी सैलरी है मल्टीप्लाई बाय 12। अब जो भी सैलरी है वो किसके अंदर है, सेल कॉलम के अंदर। तो अगर मैं सेल कॉलम की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दूं 12 से, तो यानी कि पहले रिकॉर्ड पर जब इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो रही होगी और मान लेते हैं उसकी सैलरी है 2000, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 यहाँ पे हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड रिकॉर्ड की मैं बात करूँ, सैलरी है मान लीजिए उसकी 800, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 12 एनुअल सैलरी प्रिंट हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम ईएमपी, क्योंकि इसी टेबल के अंदर मेरे पास में सारे रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है। तो एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास में एम्प्लॉय का नेम, उसकी जॉब और उसका सैलरी आ गया है, और साथ साथ में मैंने जो यहाँ पे कैलकुलेशन करवाई थी सेल मल्टीप्लाई बाय 12 वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास में डिस्प्ले हो गई। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 9600, 1600 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 19200। तो किसी भी तरीके के कॉलम पे अगर हमें कुछ कैलकुलेशन इम्प्लीमेंट करवाने हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ वो कहलाता है हमारा एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके की कैलकुलेशन करवाई है, दो ऑपरेंड्स हैं और एक ऑपरेटर है, मतलब वो एक एक्सप्रेशन है। तो इंटरनली ये एक कॉलम क्रिएट हुआ है और यहाँ पर सारी जो चीजें हैं वो डिस्प्ले हो रही है। अब सिमिलर टाइप की वर्किंग मान लीजिए अगर आप भी कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, तो क्या वहां पे कभी ये सेल मल्टीप्लाई बाय 12 ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है क्या? नहीं, वहां पर हमारे पास में हमेशा एक लॉजिकली करेक्ट हेडिंग निकल के आती। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एनुअल सैलरी तो कैलकुलेट करनी है, लेकिन ये जो हेडिंग है यहाँ पर भी एनुअल सैलरी ही डिस्प्ले होना चाहिए, ये सेल मल्टीप्लाई बाय 12 डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो कॉलम मेरा क्रिएट हुआ है मुझे उसका कोई एक अदर नाम सेट करना है। तो जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पर जो मेरे पास में कैलकुलेशन हेडिंग के तौर पे आ जाता है, उसकी जगह मुझे कोई लॉजिकली दूसरा नाम अगर सेट करना हो तो वो कहलाता है हमारा एलियाज नेम, या फिर हम उसे ऑल्टरनेटिव नेम भी कहते हैं एसक्यूएल के टर्म्स के अंदर। तो यहाँ पे सेम वही क्वेरी मैं कंसिडर कर रही हूँ, लिस्ट एम्प्लॉय नेम जॉब सैलरी एंड एनुअल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर सेम वही क्वेरी हमारी बनेगी, सेलेक्ट ए नेम जॉब सेल सेल मल्टीप्लाई बाय 12 फ्रॉम ईएम। लेकिन अभी मैंने कहा मुझे ये सेल मल्टीप्लाई बाय 12 डिस्प्ले नहीं करना, इसकी जगह कोई लॉजिकल नाम आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस एक्सप्रेशन के बाद एक सिंगल स्पेस और उसके बाद मेरा एक ऑल्टरनेटिव नाम या एलियास नेम जो एक कॉलम की हेडिंग के तौर पर डिस्प्ले होगा, That is annual. तो यहाँ पे जब हम इस query को execute करेंगे और cell multiply by 12 का जो हमारा column बनेगा, अब वहाँ पर cell multiply by 12 की जगह मेरे पास में annual as a heading name display हो जाएगा, as a column name display हो जाएगा। कि देखिए e name, job, salary and annual. Please wait for a minute. Process screen time lag कर रहा है, आपको output show हो जाएगा भी। Yes, I guess सबको visible हो रहा है। देखिए ए नेम जॉब और सैलरी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया था और नेक्स्ट है मेरे पास में सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12। अब मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो लॉजिकली कोई एक नेम असाइन करना है ताकि उसको पढ़कर समझना आसान हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका alias नेम सेट कर दिया। दिस इज द यूसेज ऑफ alias नेम। तो किसी भी तरीके के एक्सप्रेशन को अगर हम काम में ले रहे हैं तो किसी भी कॉलम का हम यहाँ पे कोई एक alias नेम सेट कर सकते हैं। अब इसी का ही एक और एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेरी है डिस्प्ले ई नेम सैल कमीशन एंड टोटल सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज हु आर गेटिंग कमीशन। अब यहाँ पे देखिए जब भी हम यहाँ पे किसी भी तरीके की सैलरी अगर ऑब्टेन कर रहे हैं तो सैलरी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, लाइक डीए होता है, एचआरए होता है, पीएफ होता है, टैक्स होता है, कुछ सब्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ ऐड होते हैं, तब जाके हमारे पास में टोटल नेट सैलरी बन के आती। तो यहाँ पर भी मेरे पास में सैलरी कॉलम है और मेरे पास में कमीशन कॉलम है, अगर इन दोनों को ऐड करूंगी तभी तो मेरे पास में टोटल सैलरी बनेगी। तो अगेन आ गया मेरे पास में एक एक्सप्रेशन, सैलरी और कमीशन को ऐड करके कोई एक कॉलम मेरे पास में क्रिएटेड नहीं है,
तो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड तो डिस्प्ले करवाना है, इन्फॉर्मेशन तो डिस्प्ले करवानी है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक डमी कॉलम क्रिएट कर सकते हैं जिसको यूज करके सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। तो सिलेक्ट ई नेम कॉमा सेल कॉमा कमीशन कॉमा सेल प्लस कमीशन। अब मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखा है टोटल सैलरी फ्रॉम ईएमटी वेयर कमीशन इज नॉट नन। अब यहाँ पर मैं ये तो कह रही हूँ कि मुझे यहाँ पर सैलरी और कमीशन को ऐड करवा के सारी चीजों को डिस्प्ले करवाना है, लेकिन कमीशन को हम ऐड कैसे करवा सकते हैं? जहां पे कोई कमीशन है वही तो सैलरी के अंदर ऐड होगा। नल को आप कभी भी किसी के साथ पे ऐड नहीं करवा सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। तो मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके टोटल सैलरी कैलकुलेट करूंगी जहां पे कमीशन इज नॉट नल, जहां पे कमीशन नल नहीं है, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स कंसिडर किए जाएंगे। अब यहाँ पर पहले वाली क्वेरी के अंदर जब मैंने एलियास नेम प्रोवाइड करवाया था तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक स्पेस दे दी और यहाँ पे मैंने वो वर्ड लिख दिया जो मुझे एज अ कॉलम हेडिंग डिस्प्ले करवाना है, लेकिन यहाँ पर मैंने डबल कोट्स को काम में लिया है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, जब भी हम यहाँ पर किसी भी कॉलम का कोई एलियास नेम सेट कर रहे हैं, अगर वो एक सिंगल वर्ड है जैसे कि एनुअल, तो आप उसको डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉलम हेडिंग मल्टीपल वर्ड्स की सेट कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल सैलरी, दो वर्ड्स है यहाँ पे, हो सकता है और भी वर्ड्स हो, टोटल सैलरी ऑफ 2021, तो चार हमारे पास में वर्ड्स हो गए। तो अगर हम मल्टीपल वर्ड्स को एज अ कॉलम हेडिंग काम में ले रहे हैं तो हमें डबल कोट्स के अंदर उस कॉलम नेम को मेंशन करना होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में जो डिटेल डिस्प्ले होने वाली है वो सिर्फ उन एम्प्लॉयज की होगी जो कोई भी कमीशन नल नहीं है, मतलब कोई ना कोई लॉजिकल कमीशन वो अर्न कर रहे हैं। तो सैलरी डिस्प्ले होगी, ईनेम डिस्प्ले होगा, कमीशन डिस्प्ले होगा, और उन दोनों का एडिशन होके हमारे पास में टोटल सैलरी भी डिस्प्ले होगी। एक बार हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए, मेरे पास में चार ऐसे रिकॉर्ड्स थे जो कोई ना कोई लॉजिकल कमीशन अर्न कर रहे हैं, तो उनका नाम, उनका सैलरी, उनका कमीशन और टोटल सैलरी 1600 प्लस 300, 1250 प्लस 500, 1250 प्लस 1400 एंड 1500 प्लस 0, कुछ इस तरीके से हम किसी भी तरीके के जो हमारे पास में न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड कर रहे हैं उन कॉलम्स पर हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस फॉर्म कर सकते हैं, और उन एक्सप्रेशंस का कोई दूसरा नाम हम यहाँ पे एज अ कॉलम हेडिंग के तौर पे मेंशन कर सकते हैं ताकि यूजर को बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे कि आपने किस तरीके से कैलकुलेशन करी है या जो आपके कॉलम के अंदर डेटा आ रहा है उसका मतलब क्या। दैट्स हाउ एलियास नेम वर्क्स। अब इस वाले पार्ट के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? The next category that we have is the aggregate function. अब यहाँ पे aggregate का मतलब क्या है? Aggregate का मतलब होता है कि हमारे पास में यहाँ पे एक group है और उस group पे हमें किसी तरीके की working implement करवानी। तो जब हमारे पास में अलग अलग तरीके के groups होते हैं और उन groups पे मुझे कुछ specific task perform करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास में पांच specific functions provided हैं जो कहलाते हैं count, max, min, sum और average. मुझे पता लगाना है कि डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर टोटल कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में डिपार्टमेंट नंबर 10 क्या हो गया? एक पूरा ग्रुप। उस पूरे ग्रुप पे मुझे वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे काउंट मेथड को काम में ले सकती हूँ। डिपार्टमेंट नंबर 30 के अंदर 6 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मुझे बताओ कि मैक्सिमम अर्निंग एम्प्लॉय कौन सा है। तो पहले डिपार्टमेंट नंबर 30 का पूरा ग्रुप बनाना पड़ेगा, उस ग्रुप में से जो मैक्सिमम अर्निंग एम्प्लॉय है उसको पता लगाने के लिए मैक्स फंक्शन, और इसी का जस्ट ऑपोजिट है हमारे पास में मिन फंक्शन, जितने भी रिकॉर्ड्स है उसमें से मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पर मुझे पता लगाना है कि करंटली मेरे पास में जितने भी एम्प्लॉयज है मैंने उन्हें कितनी सैलरी प्रोवाइड करवाई। तो यहाँ पे जितनी भी सैलरी अवेलेबल है उन सब का सम मुझे कैलकुलेट करना है। सिमिलरली अगर मेरे पास में कोई कॉलम है और मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एवीजी नाम का फंक्शन हमारे पास में अवेलेबल है। अभी कैसे इंप्लीमेंट होता है हम एक एक करके एग्जांपल से कवर कर रहे हैं। देखिए, सिंटेक्स यहाँ पे लगभग हमारे पास में सेम ही है, सिलेक्ट फॉलोड बाय कॉलम की लिस्ट जो हमें डिस्प्ले करवानी है, उसके बाद आता है हमारे पास में एग्रीगेट फंक्शन, काउंट, मैक्स, मिन, सम, एवरेज, क्या टास्क आपको परफॉर्म करवाना है। और इस क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन तो कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट तो एक्सेप्ट करेगा ही। अब यहाँ पे किसी भी तरीके के फंक्शन में अगर आर्ग्यूमेंट हमें पास करने होते हैं तो हम पैरेंथेसिस के अंदर वो वैल्यूज देखते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास में है कॉलम के नेम,
तो एग्रीगेट फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉलम का नेम मेंशन करूँ। अब ये सारी वर्किंग किस पर है, किसी ना किसी टेबल पर, तो फ्रॉम टेबल। और मुझे अगर किसी कंडीशन के बेस पे काम करवाना है तो वो कंडीशन के लिए हम यहाँ पे वेयर क्लॉज को काम में ले सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा मुझे यहाँ पे पता लगाना है करंटली मेरी जो ईएमपी टेबल है उसके अंदर कितने लोग, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। अब ये एस्ट्रिक क्या करेगा, जितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेरे पास में है उन सब का काउंट रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे देखिए एस्ट्रिक का मतलब मैंने आपको बताया है कि जितने भी कॉलम्स के अंदर जितना भी डेटा होता है सारा मुझे प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैं मतलब वही है, जितने भी कॉलम्स के अंदर जितना भी डेटा है सबका काउंट रिटर्न कर। लेकिन मैं यहाँ पे सारे कॉलम की सारी वैल्यूज का काउंट नहीं कर रही, मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो है, जो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है उनका टोटल काउंट निकाल रही। तो कभी भी अगर मैं यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन के साथ में एस्ट्रिक सिंबल को काम में लेती हूँ तो ये क्या करता है, जो मेरे पास में प्राइमरी की का कॉलम होता है ये उसको काउंट करता है। अब ईएमपी टेबल के अंदर जो हमारे पास में प्राइमरी की अवेलेबल है वो है हमारे पास में ईएमपीएन, एम्प्लॉय की जो आईडीज। तो यहाँ पे होगा क्या, काउंट एस्ट्रिक का मतलब क्या है, हमारे ईएमपीएन कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उन सब का काउंट कर लो। तो ईएमपी टेबल में जो हमारा ईएमपीएन कॉलम है उसके अंदर लगभग 13 या 14 रिकॉर्ड्स है, तो यहाँ पे वो काउंट हमें रिटर्न हो जाएगा। अब अगेन अगर मैं यूजर को डिस्प्ले करवा रही हूँ कि टोटल इतने एम्प्लॉयज मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉलम की हेडिंग जो है वो काउंट एस्ट्रिक डिस्प्ले होगी। अब उसे क्या पता काउंट फंक्शन क्या होता है या एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, उसे तो सिर्फ बताना है टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम हमारे कॉलम का एक एलियास नेम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक डबल कोट्स में, हम यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल वर्ड्स लिख रहे हैं तो डबल कोट्स, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में फ्रॉम एंड टेबल का नाम दैट इज ईएमपी। तो हमारी ईएमपी टेबल के अंदर ईएमपीएनओ कॉलम में जितने भी रिकॉर्ड्स है उन सब का टोटल काउंट निकल के आएगा और हेडिंग के तौर पे हमारे पास डिस्प्ले होगा टोटल एम्प्लॉयज। तो एक बार हम इसे कॉपी करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए मेरे पास में यहाँ पे आ गया है टोटल एम्प्लॉयज एंड द आंसर इज 14। तो मेरे पास में जो ईएमपी टेबल है उसके अंदर करंटली 14 रिकॉर्ड्स प्रेजेंट। अब सिमिलरली अगर मुझे बाकी सारे फंक्शंस को यूज करके भी वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी हो तो वो भी हम करवा सकते हैं। मैंने लिखा है सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी कॉमा एवरेज ऑफ सैलरी दैट इज एवीजी ऑफ सैलरी कॉमा मिन ऑफ सैलरी कॉमा मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम EMP। तो हमारे EMP टेबल के अंदर जितना भी मैक्सिमम डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो सारा हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा यूजिंग मैक्स फंक्शन। जितनी भी मिनिमम वैल्यू हमारे पास में प्रेजेंट है वो मैंने मिन फंक्शन की हेल्प से गेट कर ली, जितना भी मेरे पास में एवरेज है वो AVG फंक्शन से, और जितना भी सम है वो सम फंक्शन। तो किसी भी तरीके का कैलकुलेशन अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वैल्यूज पे तो हम यहाँ पे इन एग्रीगेट फंक्शन को काम में लेते हैं। अब एक बार हम इसे भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सम ऑफ सैलरी एवरेज ऑफ सैलरी मिनिमम ऑफ सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में प्रिंट हो गई। तो करंटली मैंने मेरे जितने भी एम्प्लॉयज है उन सबको टोटल 37,575 रुपीज एक मंथ के अंदर पे किया है, जिसमें मैक्सिमम सैलरी 9,500 है और मिनिमम सैलरी 800। और ये है मेरे पास में सारी सैलरी का एवरेज यानी कि 37575 डिवाइडेड बाय 40। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो। अब सिमिलरली मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे पता लगाना होता कि कितना कमीशन यहाँ पे हमने प्रोवाइड करवाया है एक मंथ के अंदर, अब यहाँ पे कमीशन कॉलम के अंदर नल भी है तो हम डायरेक्टली उस पर सम नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा पहले उन रिकॉर्ड्स को निकाल के लेके आना पड़ेगा जो क्या है, जो किसी भी तरीके की नल वैल्यू को कंटेन नहीं करे, तो वेयर कमीशन इज नॉट नल। तो यहाँ पे हमारे पास में आगे कंडीशन भी आ जाए, तो किसी कंडीशन के बेसिस पर भी अगर हमें एग्रीगेट फंक्शन को काम में लेना है तो वो भी हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इतना पार्ट सबको क्लियर? देखिए अभी जो हमने लास्ट पार्ट कवर किया है दैट इज द एग्रीगेट फंक्शन, और एग्रीगेट फंक्शन में मैं ये कह रही हूँ कि हम अलग अलग तरीके के ग्रुप्स पे वर्किंग इंप्लीमेंट करवाते हैं तब हम इस एग्रीगेट फंक्शन को काम में लेते हैं।
तो अलग अलग तरीके के पहले ग्रुप्स तो क्रिएट करो, तभी तो यहाँ पे आप वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाओगे। मैं ये कह रही हूँ कि डिपार्टमेंट नंबर 10 के जितने भी एम्प्लॉयज है उसमें से मैक्सिमम अर्निंग एम्प्लॉय के बारे में पता लगाओ। तो आपके पास में जो टोटल 14 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है उसमें से 4 जो डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर काम करे पहले उनको तो अलग करो, तभी तो मैक्सिमम सैलरी निकलेगी। तो अभी तक हमने जो वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है हमने यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स पे इन फंक्शन को अप्लाई कर दिया, किसी भी तरीके का ग्रुप हमने फॉर्म नहीं किया। तो अगर हमें यहाँ पे किसी भी तरीके के ग्रुप्स को फॉर्म करना है या कुछ रोज को कंबाइन करके एक सिंगल कलेक्शन बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज को काम में लेते हैं। अब उन ग्रुप्स पे अगर हमें अलग अलग तरीके की कंडीशंस अप्लाई करनी होती है तो हम वहां पर हैविंग क्लॉज को काम में लेते हैं। मतलब क्या है मेरा, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सबसे पहले सिंटेक्स, अब किसी भी तरीके का रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना हो तो सेलेक्ट, उसके बाद कॉलम की लिस्ट, फ्रॉम कीवर्ड, टेबल का नाम, वेयर, कंडीशन, और उसके बाद ग्रुप बाय क्लॉज, उसके बाद कॉलम के नेम्स जिनके बेसिस पर हमें ग्रुप क्रिएट करना है। अब सबसे पहले जो मेरी क्वेरी है उसे ध्यान से देखिएगा, डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में जो मैक्सिमम अर्निंग एम्प्लॉय है मुझे उसके बारे में पता लगाना है। अब टोटल मेरे पास में 10, 20, 30 तो तीनों डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है, उसमें टोटल 14 रिकॉर्ड्स। और अगर मैं यहाँ पे पूरे एम्प्लॉय में से मैक्सिमम सैलरी की बात करती हूँ तो वो है 9,500। पूरे टेबल में से मैक्सिमम नहीं निकालना है, हर एक डिपार्टमेंट में से मैक्सिमम सैलरी निकालनी है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले जितने डिपार्टमेंट नंबर है तो कॉमन डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पर 3 अलग अलग ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, 10, 20 एंड 30। अब 10 का जो मैक्सिमम है, 20 का जो मैक्सिमम है और 30 का जो मैक्सिमम है मुझे वो पता लगाना। तो उसके लिए क्वेरी किस तरीके से लिखी जाएगी, देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है सेलेक्ट, उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे मैक्स, मैक्स मुझे कैलकुलेट करना है, उसके बाद मैक्सिमम सैलरी मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मैंने मैक्स फंक्शन को यहाँ पे सैल कॉलम पास कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डीईपीटीएनओ। अब यहाँ पे होगा क्या, हमारी इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर इस डिपार्टमेंट नंबर कॉलम में जितनी भी वैल्यूज अवेलेबल कॉमन वैल्यूज के बेसिस पर वहां पर मेरे पास में अलग अलग ग्रुप्स बने। अब उन ग्रुप्स में हमारे पास में जितना भी मैक्सिमम सैलरी होगा वो हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा, ये इस क्वेरी का एक्चुअल मतलब। अब यहाँ पे एक और चीज, देखिए जब भी हम यहाँ पर किसी भी तरीके का कॉलम मेंशन कर रहे हैं, यानी कि मैं एग्रीगेट फंक्शन के साथ में किसी और दूसरे कॉलम का नाम अगर मेंशन कर रही हूं तो उस कॉलम का नाम हमें ग्रुप बाय क्लॉज के साथ में यूज करना कंपलसरी है। इसीलिए यहाँ पे भी डीपीटीएनओ आया है और यहाँ पे भी डीपीटीएनओ, ये एक तरीका का रूल है जो आपको ध्यान रखना है। एग्रीगेट फंक्शन के साथ में आपने किसी भी तरीके का कॉलम का नाम लिखा हो तो वो ग्रुप बाय के साथ में आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आपने ग्रुप बाय के साथ में डीपीटीएनओ लिखा है और आप यहाँ पे डीपीटीएनओ नहीं लिखना चाहते तो अवॉइड कर सकते, वैसा वर्षा चल सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई नाम प्रेजेंट है तो वही नाम इस ग्रुप बाय के साथ में भी आपको मेंशन करना है। एक बार पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, देखिए देखिए 3 डिपार्टमेंट नंबर्स मेरे पास में यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, 10, 20 एंड 30। डिपार्टमेंट नंबर 10 का मैक्सिमम सैलरी 5,000, 20 का मैक्सिमम सैलरी 3,000, 30 का मैक्सिमम सैलरी 9,500। तो सबसे पहले ग्रुप बाय क्लॉज को यूज कर मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप्स क्रिएट करे हैं और फिर उन 3 ग्रुप्स पर मैंने इन एग्रीगेट फंक्शंस को काम में लिया है। तो इस तरीके के वर्किंग के लिए हम ग्रुप बाय क्लॉज को काम में लेते हैं। अब अभी ये जो टॉपिक है हमारा वो ओवर नहीं है, इसकी काफी सारी क्वेरीज है तो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अभी तक जो मैंने बताया उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम, देन प्लीज डू आस्क।